अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान हमला हो गया है। जब से यह हमला हुआ है तब से पूरी दुनिया में एक खबर तेजी से फैल रही है। इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर किसने यह हमला किया, ट्रंप पर गोली क्यों चलाई और किसने चलाई। बता दें कि ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने दोस्त पर हुए हमले पर क्या कहा है, आइए बताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे मित्र और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों और घायलों के परिवार वालों के साथ हैं। तो वहीं इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश से बेहद चिंतित हूं। ऐसे कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि अमेरिकी मीडिया पोस्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जब वो भाषण दे रहे थे तभी बदमाशों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और मंच से नीचे झुक गए। इसी दौरान भीड़ में भी हड़कंप मच गया, चीख पुकार मचने लगी, लोग इधर से उधर भागने लगे, जिसके तुरंत बाद सीक्रेट सर्विसेज टीम ने उन्हें फौरन कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया। इस हमले का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मंच से रैली को संबोधित कर रहे हैं, तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स मूव मूव चिल्लाते हैं और गोलियां चलने के बाद ट्रंप कान पर हाथ लगाकर पोडियम के नीचे झुक जाते हैं और इसके बाद सिक्योरिटी उन्हें घेर लेती है। तो वहीं ट्रंप पर गोली चलते ही पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर देती है। हमले में संदिग्ध शूटर समेत दो लोग मारे गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के माने तो बटलर काउंटी के जिला अटॉर्नी रिचर्ड ने कहा है कि दो लोग मारे गए हैं, जिनमें से एक शूटर भी शामिल है। तो वहीं इस हमले के बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विसेज और सभी कानूनी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर तुरंत कदम उठाए। मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही एक अन्य व्यक्ति जो घायल हुआ है उसके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। ये अश्वसनीय है कि हमारे देश में ऐसा कृत्य भी हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।